सूरज भाई पहले बात सुनो, मास्टर जरा ध्यान दे दो। अभी हमारे प्रकाश भाई, कटझीरा वाले अशोक भाई, हाँ, इन सज्जन की ओर से 21 रुपए पार्टी को नजर होते हैं, उनका कहना है कि पलटा जरा दबा के लेना। अशोक भाई, हाँ, अभी हमारा भाई बहुत बड़ी बड़ी बात न कर रहे थे, बहुत अशोक जैसे महाभारत के सामने लेने बैठे हो। हाँ, कहीं की एक नवे इतो बड़ो योद्धा थो, आशो कर दे तो ओसो कर दे तो न, कहीं की द्रोण न शिक्षा हो गई, एकासी नहीं दी कि वो आगे चले न, कहीं की कोरोना से युद्ध कर तो, कोरोना से ओ पांडवना से तो कर तो, हाँ, वो कई नाम छे यार वो राजा को, जरासंध की जगह वो बनतो। हाँ, तो क्योंकि जरासंध बड़ो योद्धा तो। तो प्रकाश भाई तुका हकीकत बताओ हो, हाँ, कि यह सिर्फ एक कल्पना थी। सही बात है, हकीकत नहीं थी। हाँ, वो जब ओको भविष्य जो तकदीर, जब इंसान करने की, जब इंसान पैदा हो तो छठवे दिन माता छठियों की लेखनी लिखी जाए। सही बात है, तो ओका नसीब में भी एक लव्य का वो लिखेल तो भाई तू गुरु गुरु द्रोण है, तुम्हें शिक्षा नहीं देना को, तू की मूर्ति बनाएगा तपस्या करें शिक्षा लेगा, तो तुम्हें गुरु दक्षिणा में देना पड़ेगा, देना पड़ेगा द्रोण की तकदीर में लिखेल तो। तू जो बड़ी बड़ी बात न करी रहा नहीं कि वो जरासंध की जगह ले तो न पांडव नसी युद्ध कर तो नौका हरा तो, पांडव सेना भी कई आसी वसी नहीं थी, ओका में भी एक से एक योद्धा पड़ेल था। सही बात है, जब एक लव्य सिर्फ सीखते थे तो कि तूने कल्पना कर ली कि पांडव सेना को नाश कर दे, तो पांडव सेना में भी आशा आशा धुलंदर था ने कि थारो एक लव्य को कहीं भी नहीं लगते, पांडव सेना ने तो नाश कर दो, अजय की चीर वाले फेंकी दी ना, अजय की धार वाले फेंकी दी, अरे वो तो जरासंध को नाश करे तो बात एक लव्य की चली रही, तो वो एक लव्य योद्धा तो वो काम बहुत गुण था, कहीं जरासंध में ओकी जगह, जरासंध की जगह एक लव्य ले तो यह बात वो भाई कह रहे, हाँ, पर एक या सिर्फ एक कल्पना थी। हाँ, बता तो एकासी कौन प्रकाश भाई, हाँ, कि एक सी एक बड़ी ने योद्धा पैदा करिया जेनी धरती ने। सही बात है, एक सी एक बड़ी ने योद्धा पैदा करिया जेनी धरती ना, बात है, जो पैदा हुए जो मरेगा, हाँ, आसो कहीं को लाल ने पैदा करो कहीं की माए खतरी ना, तो तू थारा एक लव्य की बात करे जाते हो का युद्ध में हरे ने मारियो तो जान सी एक खतरी ना, हमारे दिमाग में वो ढोरियो का इसकी छतरी ना किमड़ी ना ये रह जाएगा ना ये रह जाएगा, छतरी की किमड़ी ना टूटी जाएगा, डंडी रह जाएगा। हाँ, कि आई जाजे तू जंग का मैदान में, योद्धा हर एक सी बड़ी ने एक बड़ो योद्धा रहेगा, बहुत बढ़िया, एक सी बड़ी ने एक योद्धा खड़ो रहेगा, न छतरी की किमड़ी न भले ही फेंकी जाए पर बेटा झोरियो को डंडो हमेशा खड़ो रहेगा। नेता वाले डीजे शरद वाले उन्हें तब से 21 रुपए दी जाते बार बार सूत्रे दिखाते हो, क्या बात है, तो काई बोल था होगा रुता भाई, हाँ, बरहम पाया अपनी शान को झूठ बोलकर। सही बात छे, मगर ये छू रहा है आसमान झूठ बोलकर। सही बात छे, क्योंकि सिर्फ कल्पना का मैं फूली ढेर हुई गई, बरहम पाया कोई अपनी शान झूठ बोल कर, मगर छू रहा है आसमान झूठ बोलकर, और मैं तो सच्चाई की रोशनी बिखरने में लगा रहा, क्या बात, तमाम लोग बन बैठे हैं झूठ बोलकर। इसीलिए कहता हूँ सूरज भाई कि झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, क्या बात है, झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, अरे घर के भीतर झूठों की एक मंडली बैठी है और बाहर से आवाज आती है कि सच बोलो, अरे डूबने वालों, ओ डूबने वालों, तुम डूब तो सभी रहे हो पर नाव में किसने छेद लिया है, आप तो सच बोलो, क्या बात है, बड़ा
ये गाने के बोल है क्या है सजना बनाए पाए थे पागल बोल कैसे कैसे गुरु ही ना द्रोणाचारी नहीं बताया तून गुण। हाँ भाई का हक का बोल होगा सब तो सुन जाओ हमारी वीरता देखी ना काफी गयो अर्जुन कौन काफी गयो अर्जुन क्योंकि अर्जुन भाई नो गाई राज नहीं वो एक नजर बनी ने गाई राज वो जब कुतरा का मुंडा मुंडा बात बाण मारिया था वो जब के बात आई क्योंकि अर्जुन को देखी ना चकित हुई को तो कि भाई वो महाराज से बड़े योद्धा लगे मगर आसो ने थो ने यो सोचो मन में कि जब महाराज गुरु ने मतलब वचन दिए छे कि हाउ तो को दुनिया को सबसे बड़ो धनुर्धारी बनाऊंगा। हां सही बात तो यहां शिक्षा तो महाराज पास भी नहीं कि जेने कुतरा का साथ बाण मारिया ने कुतरो मरियो नहीं सही बात है जिंदो रहे तो ये बात हुआ है कि अर्जुन देखे ना चकित हुई को तो हालांकि देखिए गुरु दोनों सारे गुरु क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वो दही भी तो तू खसिक छा तो दही भी तो तू खसिक छा तो घट तो मारो तू खत्म हुई गया इको तर होया कि नहीं रे सही बात है गलत तो होता नहीं है। अरे क्या बात है जौरी यहाँ ना जो उसे गाँव में रहता गाँव ही बचा हुआ वो यहाँ अशोक भाई यार कोई प्रताप सही बोल लो तुम कि नहीं वो अर्जुन भाई ने गाया है बताओ तो कोई अर्जुन भीम एक लगा था दोर में नहीं लगा कले लग जाओ यार नहीं ना वो जनावर गाय रहे हैं ना वो पहले और उनका अनुवाद कर रहे हैं यार प्रदीप मास्टर इनका कहे इनके और से ग्यारह के राज्य से कहीं कि ये ज्ञान गलत कह रहे हमने इनको सिवल में बुलाओ ना का जिंदगी में गरम तो कहाँ पड़ी है वो खाली वात न करो जी बांट कहीं बुंड कहीं ऐसा थोड़ी देर का है अभी हमारे भाई का यार करता कहीं को दुर्योधन है तो बलशाली तो दुर्योधन अशोक तो इनको इनकी मस्ती हेड दे तो करो फिर वो मरिया क्या उड़े अगर तू कभी किसी का भरसा पर मत रही जे क्या बात है तू प्रताप कभी कोई का भरसा पर मत रही जे न देर का कभी अंधेर मत कही जे अगर ये भीम न कभी थारा इकोत्तर न कभी माया तो कभी अगर तू शेर मत कही जे सही बात है क्योंकि मायने कहो तो कुंती ना कि तू सच्चाई का रास्ता पर रही जे सच्चाई का रास्ता पर रही जे अगर कोई मारा तो का मारा बिना मत रही जे अबे द्रौपदी का बाल कभी दुशासन की छाती फाड़ना नहीं रंगिया नहीं तो बेटा तू तो भीम मरता मत कही जे पांच जना मार रखे ना मस्ती बताओ अबे बात तुम्हारी बातों बात में कटी गई थी ना माय अंधी माथा पर पट्टी बांधे ना बची गई थी सारा भीम ना निन्यान पे ना का मारा नहीं होती ना थोड़ा बाप अंधा की मस्ती छटी गई थी
जाती थी एक से रारू को। अरे श्याम में माया जाती थी राम की, क्या बात है, श्याम में माया जाती थी राम की, न कला में चलती है कभी हम की। अब ये भेम न कभी तुम्हारी लुगाई ने के कावे ने फुराई नहीं, तो बेटा नंद पांडव की जिंदगी भी काई काम की। एक दिन वो समय आएगा कि सच्चाई का साथ छुटने पड़ेगा। न पोता फारा दुर्योधन को ग्रंथ खोल देख दे कि अंधी तंदी तो बाप अंधा कभी माथो भीम का नाव को कुटने पड़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी बात न कर रहा था रविया, सिविल वाले सरपंच साहब और शंकर भाई गोलकर इनके ओर से भी 11 को नजर बोले पिंडारा जी बहुत जबरदस्त है, साले साले पलटी भी मारी हुई है और ढोल भी मरा हुआ लिया है। बहुत बड़ी बड़ी अभी बात कर रहा था क्योंकि दुर्योधन का कोई को मारने नहीं है, नहीं हूँ मांगू है और भाई गए। अबे कहीं के मारी माई की नजर नहीं पड़ी, नहीं तो सहानो हो तुमको खेल बताई दे तो अबे तो सहानो तुम अधर्म को चलता था तो धर्म की जीत होगा क्या, धर्म की होगा कही जाए ना मन महाभारत। अजय ओंकार हाँ राजू भाई मुकेश भाई इनके ऊपर भी 11 रुपए नजर होते हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बोले राजू भाई महाभारत की एक रचना ऐसी थी वाले सरपंच साहब इनके ओर से 51 रुपए नजर आते हैं, बोले बहुत ही अच्छी प्रस्तुति पाफी कला की और बूढ़े हुए जो दसगांव की पालती है वो थोड़ी बूढ़ी होते हैं उम्र के हिसाब से कम चल रही है। पांडव ने वो पैदा नहीं हो रहे भैया, अबे महाभारत की एक रचना ऐसी थी कि बहुत दम तो भाई भाई की कहानी में बात है। महाभारत की एक रचना ऐसी थी कि बहुत दम तो भाई भाई की कहानी में, अबे अर्जुन ने भी गुरु से शिक्षा सीखी थी नादानी हूँ, लोग की सब हाथी को बल तो भीम की जवानी माँ, अबे तू भीम का कई मारेगा दुर्योधन की पूछते बेटा एक दिन दहशत को कपड़े तो दहस जाए ना पानी में उकाजी कहो बोले। अरे सच्चाई का चलने वालों ने तार रखो, सच्चाई का चलने वालों ने सच्चाई का तार रखो, रोज की इनकी लोग कल्पक के हजारों मारा लाया तो मारना क्यों पापी छे ये कह रहा हूँ। अरे बढ़िया हो भाई मन, बढ़िया बढ़िया बोलो बढ़िया 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 अपने भाई से एक नंबर बैठी जाएगा भाई बता। अरे कई थोड़े बोले मेरे भाई गजानन में सरपंच और संकीवल वाले शंकर भाई इनके ओर से कान पर नजर आते हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं दोस्तों। हाँ और समिति को कहते हैं क्या हुआ उतरी के संबंध से बोलो। हाँ चलो बोलो बोलो पापी थे ये कह रहे हो। अरे पापी थे ये कह रहे हो इनको घरों को बहुत दिन को फुटेल थे फुटेल थे पापी थे ये कह रहे हो इनको घरों पाप को फुटेल थे और भीष्म गुरु द्रोणाचार्य को इनका प्रति विश्वास उठेल थे। अरे इनके मौत से क्यों नहीं बचा है इनका तो द्वारका नाथ गुरु ठेल से सही बात है क्योंकि धर्म को चल रहा है एकादी तो कहता था कि कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान लहंगी घर थी बार बार आ वो है ना वहां द्वारा की थारी लुगई थारी लुगई उनका बात तो छेद का है। अरे तो बेचारा हाथ तक खाली भोजा खेड़ी देखो तक चले टेम्पो वहां तक तो चले आधा को किराया करो आगे जाए। अभी जो गाई थी तरी मारी आती झड़ागा सामने आओ जो तू खपल्ला पड़ा
हरी लुगाई मारना किरदारा अच्छा तो बाबा कल अरे लुगाई ना तुम्हारी लड़ी की हमारी लड़ी ये कहीं तो इनका बाल पक्या तो पक्या पर इनका माथा भी पकी गया चलो साफ आवाज की ओर चल अबे हस्तिनापुर को राज छोड़ दूंगा भीष्म द्रोण लिखा नहीं तो जाए ना कहूंगा क्योंकि थारा गुरु है उनका जाए ना कहूंगा कि देख इनका समझे ना अच्छा क्यों ना कितनी अंधी से समझाई दा मंगाया भाई तू होशियार से लेख उन का समझाई दा हस्तिनापुर को राज छोड़ दूंगा थारा भी जीते तो सरी पर एक दिन थारा पे छोड़ूंगा सही बात छे न भीष्म हस्तिनापुर को राज पूरो लई न रहूंगा भीष्म भीष्म द्रोण का भी जाय न होऊंगा अर्जुन फिर काय 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 कि नहीं दियो तो मारी न फेंकी दूंगा हस्तिनापुर को हम राज छोड़ दूंगा हस्तिनापुर को हम राज नहीं रहूंगा भीष्म द्रोण खा भी जाए न हो कहूंगा अगर नहीं दियो तो मारी न फेंक दूंगा हस्तिनापुर को और राज छोड़ दूंगा आई बोल दे भीष्म द्रोण कहो जाए ना नहीं तो कहूंगा अरे गुरु ना का जाए ना कहूंगा देख समझे दे ना तो इनका इनकी मौत का घर छोड़ेगा हमारे लोग भाई पैसे वाले इनके वजह से कांड में नजात है बोले बहुत ही अच्छे तुम मारते हो ना तो मेरा हेला भी इनको मार डालेगा हस्तिनापुर को और राज नहीं रहूंगा भीष्म द्रोण का नहीं तो जाए ना हो कहूंगा ए बंगलू भाई था कहो ना घर कह दीजो अबे नहीं दियो तो मारी ना फेंक दियो हमारे सीवर से गजुए सरपंच साहब इनके अवसर भी 20 रुपए
इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं दोस्तों। ये हस्तिनापुर को राज छोड़ लेऊंगा, किस्मत रोल को नहीं तो जाए ना हो कहूंगा, नहीं राज दियो तो मारी ना फेंक दूंगा। गलियों में पैसे कितने आए हैं?
कौन खेड़ा में एकता ऐसी एक बस और 51 रुपए की फरमाइश हमारे हमारे कोटवा संतोष भाई लाए हैं। भूतपूर्व अमरचंद भाई सरपंच ने कौन खेड़ा में एक ऐसी एकता बना कर रखी है और गौल खेड़ा की गलियों में आसाराम भाई सरपंच की झांकी है। गौल खेड़ा ग्राम में आसाराम भाई सरपंच की झांकी है। अभी मैं बोलूंगा क्योंकि मेरे 100 रुपए की फरमाइश बाकी है। तो गौल खेड़ा की गलियों में दोस्तों ऐसे हर साल खुशियों का डंका बजता है और मोदी माता के नाम से हर साल का मेला लगता है। हर साल की तरह देखो यहाँ गौर खेड़ा में डंका बजता है। अरे मुझे तो मुट्ठों से नोट देना जब मेरे जेब में पैसा लगता है। तो कहते हैं आसाराम भाई का मालूम छे इनके 100 की नोट देगा भाई नोट पैसा तुम्हारे पास धर गई पेट भरी न पिएगा। ये भाई साहब का कहना है कि भाई अमरचंद भाई का बोल जरा डबल दो डबल दीवार वाले ले जाएंगे नहीं। अरे मैं इसने पेंट छोड़ी कि तेरे को दे जाएंगे। हाँ साहब ऐसे हमारे भैया जी दीवार वाले मिठा तेल तो उनके तरफ से मुझे एक एक मिठा तेल बोला तो बोला पानी तुझे गलती से चरका तेल मत बोल देना। उनका कहना है कि भाई अमरचंद भाई को बोल जरा राजू भाई जरा डबल सी बोल तो वाले है यार भाई। हाँ राजू भाई बोलो बोलो फिर गम्मत भी कर दो। जा 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 हाँ रामलीला उनकी ओर से भी किसी बोल पर मिलते हैं। काई भाई? काई भाई? तो भूतपूर्व अमरचंद भाई सरपंच ने गौल खेड़ा के अंदर ऐसी एक एकता बना कर रखी है और गौल खेड़ा की कलियों में मेरे आसाराम भाई सरपंच की झांकी है। अरे मारा 10 रुपया वाला कहना क्या है पर मजे लाता है यार तू। तो गौल खेड़ा की गलियों में दोस्तों हर साल खुशियों का डंका बजता है और मोती माता के नाम से हर साल का मेला लगता है। राजू भाई तो आते हैं दर्शक दूर दूर से और यहाँ जनता चले आती है और गौल खेड़ा की सारी जनता है सेवा में लग जाती है। बहुत अच्छा राजू भाई मोतीचूर के लड्डू लड्डू तो मोतीचूर के लड्डू ऐसा मोती माता के दरबार में मिलते हैं। कभी कभी तो मोती माता के दरबार में खुशियों के फूल खिलते हैं। उनकी गर्मी से हसी बहुत अच्छे राजू भाई। ओ मोती माता मारा हृदय मोती माता मारा हृदय ज्ञान दही जा निखारा भक्त न पर थोड़ो थोड़ो दही जा अमरचंद भाई सरपंच साहब
छोटी माता मारा हृदय ज्ञान दही जा भक्त न पड़ो थोड़ो ज्ञान दही कोई परदेसी आया
आज